ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲਟ ਉਹ ਹੈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਦੁਗੜੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला और बेकिंग सोडा और ये बनाने ऐसी सॉल्वेज प्रोसेस के नाम ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਯੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਸੋਲਵੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ NH3 ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तीन ते दो पांच सोडियम एक कार्बन एक और तीन ऑक्सीजन बैलेंस इक्वेशन हो गई हम अमोनियम क्लोराइड का चलो सेपरेट हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट असी फिर इन डिजोल्व करके पानी और फिर इन असी फिल्टर करा क्रिस्टलाइज कर लेंगे तो इन असी यूज कर सकते हैं एज अ बेकिंग सोडा इन फर्दर असी वॉशिंग सोडा ले भी यूज करना है तो सॉल्वे प्रोसेस का एक फर्स्ट स्टेप जेड़ा है वो असी जो कंपाउंड यूज कर लिया एज बेकिंग सोडा फर्दर इन असी फिर इन वॉशिंग सोडा जी कन्वर्ट कर सकते हैं तो बेकिंग सोडा हम किस तरह से यूज करते हैं क्योंकि कहते हैं कि असी पकौड़े बनाने के विच या मतलब डोसा वगैरह कोई ऐसी चीज जिसको असी सॉफ्ट बनाना है उसे असी क्यों यूज करते हैं एक्चुअली जो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जो तो हीट होंगे तो यह की हो जाता है सोडियम कार्बोनेट जो तो यह हीट हो जाता है तो यह की करता है सोडियम कार्बोनेट चेंज कर देता है वाटर जिहड़ा विचों निकला इवेपोरेट हो गया और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है ना ये चीज को जो बैटर ची जो मसाला या घोल असी बनाया होता है जो तो रिलीज होती है हीट होने बाद सॉफ्ट बना देती है सॉफ्ट बना के पकौड़े वगैरह अभी बनाने बड़े सॉफ्ट क्रिस्पी जो बन जाते हैं तो पानी तो चलो भी रह गया या इवेपोरेट हो गया तो सोडियम कार्बोनेट जो है वह भी सॉल्ट की तरह ही रह जाएगा क्योंकि ज्यादा अमाउंट के नहीं यूज होता लेकिन जे असं मिठे सोडे को ज्यादा यूज कर लेंगे ना और थोड़ा जहा कड़कन थोड़ा बिटरनेस कड़वापन दे देगा सोल्यूशन क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का थोड़ा जहा बिटर टेस्ट आ जाता है इसलिए असं तो थोड़ा बैटर फॉर्म से यूज करना हो तो बेकिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं केक वगैरह जो तो बनाने हैं तो असं सुने होगा बेकिंग पाउडर ऐड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेकिंग पाउडर जिदे विच के बेकिंग सोडा भी है और टार्टरिक एसिड भी प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिक एसिड टार्टरिक एसिड क्योंकि टार्टरिक एसिड जेड़ा है ना वो दा जेड़ा कड़वापन आ जाता है ना सोडियम कार्बोनेट का वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस टेस्ट को न्यूट्रलाइजेस द टेस्ट बिटर टेस्ट कड़वापन जेड़ा आया वो दा टेस्ट न्यूट्रलाइज करके सारे के साथ जो भी असं खाना बनाया केक वगैरह जो भी असं बनाना वो कड़वापन खत्म कर देता है टार्टरिक एसिड तो इसलिए बेटर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग मतलब बेकिंग सोडा डायरेक्ट ना यूज करके बेकिंग पाउडर चाहिए यूज करिए तो चीज ज्यादा अच्छी बन जाती है पर्पज वही सॉल्व होगा लेकिन सोडियम कार्बोनेट के टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा हम रीजन तो यही है कि जो केक वगैरह अं बनाने जो तो अब बैटर बनना घोल जो अभी तैयार करते उसके में ही बेकिंग सोडा पाने बेकिंग पाउडर पाने और उस तो बाद अच्छी तरह जो हीट हों बेक होना होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ना उस बैटर चो और जो जो नाल हार्ड होगा तो देखो ना केक बड़ा सॉफ्ट होंगे विच पोर्स होंगे छेक 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 होंगे
जिन्ने ज्यादा शेक होंगे उन्ने ज्यादा की होगा उधर एयर फिल हो जाएगी और उन्ना सॉफ्ट और फ्लफी बड़ा पोला पोला जा सॉफ्ट जा केक बन जाता है। कोई भी बेकिंग सब्सटेंस बेकिंग जो भी आप किसी प्रोडक्ट बनाया वो सॉफ्ट बन जाता है, तो इसलिए असि इन्हें बेकिंग पाउडर का यूज है। लेकिन बेकिंग सोडा जैसे को एक फायर एक्सटिंग्विशर के भी असं यूज करते हैं। एक ये दूसरा यूज है फायर एक्सटिंग्विशर की भी यूज करते हैं। अग बुझाने वाला जो यंत्र होंगे ना ओद भी यह यूज होंगे। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड के नाम तो ही क्लीयर है कि ये एक सोडा यूज होंगे कड़ा वाला है वाला सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा एसिड यूज हो जाता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिता और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इन्हें की बनाया सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस तो ये सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी का पता है नाइदर बर्न्स नॉर स्पोर्ट्स कंबस्शन ते अग नु बुझान दे काम करेगी। ते पानी ऑलरेडी इग्निशन टेंपरेचर लो करेगा तो उन्हें भी अग ही बुझा देनी है। तो ये यूज होंगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर और मेन ये यूज है दूसरा बेकिंग पाउडर के यूज है फॉर बेकिंग परपजेस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट फर्दर असि फिर इन्हों यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सॉल्ट बनाते हैं सोडियम का सॉल्ट बनता है जरा दैट इज वॉशिंग सोडा। तो हम ऐसे सोडियम का दूसरा जरा सॉल्ट है वो करने लगे हैं दैट इज वॉशिंग सोडा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है इन्हों से सोडा ऐश भी बोल देंगे जो सीमेंट वगैरह बनाने भी काम आता है। पर यही जे ए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लग जाए वाटर क्रिस्टलाइजेशन दे ए फिर वॉशिंग सोडा बन जाता है। कपड़े धोने वाला सोडा जिन्हें सुनिया होना बड़ा कॉमनली कपड़े धोने वाला सोडा जिहड़ा कि डिफरेंट डिटर्जेंट्स विच ऐड करके असीं वॉशिंग पाउडर भी बना लैंदे हां ना अजकल दा। अगे लोग देसी साबण नाल यूज करदे सी ना वॉशिंग सोडा च कपड़े भिगो देंदे सी हुण वॉशिंग पाउडर च ही एडेड होंदा ते इहदा नाम की आ गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका तो क्लियर हो गया कि 10 मॉलिक्यूल किदे है वाटर दे ते ए दा फुल नेम आ गया वॉशिंग सोडा दा। प्रिपेयर करने का तरीका यही है सॉल्वे प्रोसेस जैसा तुसे बनाया सेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तुसी फिल्टर कर लोगे वो पहले डिसॉल्व दिता फिर फिल्टर कर लिया फिर तो हीट करोगे ते हीट करके की होया सी जड़ा सी बेकिंग वाले इक्वेशन देखी सी ना सेम वही वाली इक्वेशन है जो यूज होनी है Na2CO3 ए प्रोड्यूस होया सी। हुण ए सोडियम कार्बोनेट क्योंकि वाटर रह गया सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई गैस हुण ए सोडियम कार्बोनेट नूं फिर असी सेपरेट करके नोन अमाउंट ऑफ वाटर च असी डिसॉल्व कर देने हैं कि ओदे विच की होएगा वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे किन्ने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ए तुहानूं मिल गया वॉशिंग सोडा। तो दिस इज हाउ इस तरीके नाल असी वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर लेने हैं सॉल्वे प्रोसेस से शुरू किया सीगा ते इक्वेशन दे नाल फिर असी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कीते ओदे नाल सानू वॉशिंग सोडा मिल गया। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट सिर्फ कपड़े धोने ही काम नहीं आंदा होर भी बड़े चीजां दे काम आंदा जैसे सोडा ऐसी फॉर्म च भी यूज कर सकते हैं इनू असी शीशा वगैरह बनाने लिए भी यूज करते हैं और बोरेक्स भी बनाने काम आता है ये अलग अलग कंपाउंड सोडियम के होर कई सॉल्ट ये बन जाते हैं ग्लास वगैरह भी तो ये सोडियम के कई सॉल्ट मतलब बेसिक सॉल्ट इनिशिएटर के तरह काम आता है कई होर चीज़ा बनाने लिए अं यूज कर सकते हैं वॉशिंग सोडा कह लो या सोडियम कार्बोनेट को। हम वॉशिंग सोडा जो है अं यूज क्यों करते हैं वॉशिंग परपजेस कई बार तुम पता ना सो जो पानी है बड़ा हार्ड होता है जल्दी देखिए साबुन झग नहीं बनाता जे असी वॉशिंग सोडा ऐड कर देंगे ना तो सोडियम जो कैल्शियम मैगनीशियम के सॉल्ट से ना उस जगह सोडियम जो लग जाएगा तो सोडा जो हार्ड वाटर सॉफ्ट कर देगा सॉफ्ट करने साबुन वगैरह जल्दी क्लीनिंग करने हेल्पफुल हो जाते हैं।
ਤੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਈਜ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 7 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਟ ਪੜ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਾਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਲੋਰਲਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲਟ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲਟ ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਂਡ ਡੈਕਾਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ।